नमः संस्कृताय मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अखिलेश सर आज आप लोगों से यूपी टेट में समास प्रकरण में समास की चर्चा करने जा रहा हूं। आइए देखते हैं। अव्यय भाव समास में एक अपवाद है। अपवाद 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 है। इसमें है सूत्र न दी भीष्च नदीभीष्च। यह कहता है कि प्रसिद्ध नदीवाची शब्दों के पहले, प्रसिद्ध नदीवाची शब्द के पहले यदि संख्यावाची शब्द हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाता है, जबकि होना चाहिए द्विग समास। यह जो है अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। नदीभिश्च सूत्र कहता है कि प्रसिद्ध नदीवाची शब्द के पहले यदि संख्यावाची शब्द आता है तो वहाँ पर प्रसिद्ध नदीवाची शब्द के पहले यदि संख्यावाची शब्द आता है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे पंचगंगम द्वि यमुनम, पंचगंगम द्वि यमुनम। जबकि यहाँ पर गंगा और यमुना के पहले संख्यावाची शब्द लगा हुआ है, संख्यावाची, यहाँ पर द्विग समास हो जाना चाहिए, द्विग समास हो जाना चाहिए। लेकिन इस नदीभिश्च सूत्र ने कहा कि यदि प्रसिद्ध नदीवाची शब्द के पहले संख्यावाची शब्द होगा तो वहाँ पर जो है द्विग समास नहीं होगा, अव्ययी भाव समास होगा। इसका सामासिक विग्रह जब करेंगे तो पंचानाम, पंचानाम गंगानाम समाहार, पंचानाम गंगानाम समाहार, पांच गंगा का समूह, द्वयोह द्वयोह यमुनयोह समाहार, द्वयोह यमुनयोह समाहार, दो यमुना का समूह, ठीक है। तो यहाँ पर पंचगंगम में और द्वि यमुनम में अव्ययी भाव समास है, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम आपको ले चलते हैं तत्पुरुष समास की ओर। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, इसका सूत्र है प्रायेण उत्तर पद प्रधानो, उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः, तत्पुरुषः प्रायेण उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः। प्रायः जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में भी तत्पुरुष समास है। तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, ठीक ना। तत्पुरुष समास में भी तत्पुरुष समास है, जिसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके दो भेद हैं, तत्पुरुष समास के दो भेद हैं। एक है व्यधिकरण तत्पुरुष समास, व्यधिकरण तत्पुरुष समास,
और दूसरा है समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो अब हम आपसे व्यधिकरण तत्पुरुष समास की चर्चा करते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के छह भेद हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? छह भेद हैं। और समानाधिकरण का भेद है कर्मधारे, कर्मधारे। ठीक, और कर्मधारे का भेद है द्विगु समास, द्विगु समास। तो हम आपसे आज व्यधिकरण की चर्चा करने जा रहे हैं। आइए इसमें देखते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास। व्यधिकरण में हम देखते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास। तो अब हम आपसे व्यधिकरण तत्पुरुष समास में पहला समास है आपका द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास। इसका सूत्र है, सूत्र है द्वितीय श्रिता तीत पतित, द्वितीय श्रिता तीत पतित, द्वितीय श्रिता तीत पतित, द्वितीय श्रिता तीत पतित गद्वितीया श्रिता तीत पतित 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 गतात्यस्त, गतात्यस्त प्राप्ता पन्नैः, पन्नैः द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नैः, द्वितीया श्रितातीत पतित, द्वितीया श्रितातीत अतीत पतित गत आत्यस्त प्राप्त आपन्नैः। यह कहता है कि आश्रित अतीत, अतीत अतीत पतित गत आत्यस्त, आत्यस्त आत्यस्त गत आत्यस्त प्राप्त आपन्न। कहता है कि किसी पद के अंत में आश्रित हो, अतीत हो, पतित हो, गत हो, आत्यस्त हो, प्राप्त हो तथा आपन्न पद हो तो वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। कहा किसी पद के अंत में क्या हो, आश्रित हो,
अतीत हो, पतित हो, गत हो, आत्यस्त हो, प्राप्त हो तथा आपन्न पद हो, तो वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। क्या हो, एक चीज बता दें आपको कि तत्पुरुष समास में जितने सूत्रों की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं उन सूत्रों को निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको सूत्र याद रहेगा तो आप ढेर सारे उदाहरण बना सकते हैं। किसी भी पद के अंत में आश्रित आ रहा हो, अतीत आ रहा हो, पतित आ रहा हो, गत आ रहा हो, आत्यस्त आ रहा हो, प्राप्त आ रहा हो, आपन्न आ रहा हो, तो वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। कहीं भी किसी भी पद के अंत में आश्रित, अतीत, पतित, गत, आत्यस्त और प्राप्त था आपन्न पद दिखाई देते हैं तो वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होगा, तो होगा। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जैसे कृष्णाश्रितः, रामाश्रितः, पिताश्रितः, माताश्रितः, भ्रात्राश्रितः, राजाश्रितः, गुरुवाश्रितः, जिसका भी आप आश्रित, आश्रित माने आश्रय, ठीक है, अतीत माने बीत गया, पतित माने गिर गया, गत माने चला गया, आत्यस्त माने पार गया, अप्राप्त माने प्राप्त हो गया, आपन्न माने घिरा हुआ, आश्रित माने सहारा। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे जैसे कृष्णाश्रितः, कृष्णाश्रितः, दुखातीतः, दुखातीतः, कूपपतितः, स्वर्गगतः, 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 स्वर्ग गतः, चंद्रात्यस्तः, कष्टापन्नः, सुख प्राप्त, सुख प्राप्त। अब आप यहां देख रहे हैं कि हर के अंत में आश्रित, अतीत, पतित, गत, आत्यस्त, प्राप्त और आपन्न ये पद लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें पूर्व पद द्वितीय विभक्ति में होगा, द्वितीय तृतीय अतीत कहता क्या है कि पूर्व पद जो है द्वितीय विभक्ति में होगा और उत्तर पद जो होगा वह प्रथमांत में होगा। द्वितीय तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसमें पूर्व पद द्वितीय विभक्ति में हो तथा उत्तर पद प्रथमा विभक्ति में हो, उसे द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। द्वितीय तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिसमें पूर्व पद द्वितीय विभक्ति में हो और उत्तर पद प्रथमांत में हो। और द्वितीय तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं, आश्रित आते हैं, अतीत आते हैं, पतित आते हैं, गत आता है, आत्यस्त आता है और प्राप्त आता है और आपन्न आता है। यदि ये किसी भी पद के अंत में आपको दिखाई देते हैं तो वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। अब इसको करना क्या है कि इसमें पूर्व पद जो लिखे हैं इनमें सब में द्वितीय तत्पुरुष समास लगा देना, सब में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ये सामासिक पद हैं, इनका जब आप विग्रह करेंगे तो कृष्णाश्रितः, कृष्णा का द्वितीय में होगा कृष्णम, कृष्णम आश्रितः, कृष्णम आश्रितः, दुखातीतः, दुखम अतीतः, दुखम अतीतः, कूप कूप पतितः, तो कूपम कूप कूपम कूपम
पतितः, कूपम पतितः कुएं में गिरा हुआ, कूपम पतितः, स्वर्गगतः स्वर्गम 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 गतः स्वर्गम स्व स्वर्गम गतः स्वर्ग को गया हुआ, स्वर्गम गतः स्वर्गम गतः स्वर्गम गतः, चंद्रात्यस्तः चांद के पार गया हुआ, चंद्रम आत्यस्तः चंद्रम आत्यस्तः, कष्टापन्नम कष्टम कष्टम आपन्नः कष्ट से घिरा हुआ, ठीक, सुख प्राप्तः सुखम प्राप्तः सुख प्राप्तः सुखम प्राप्तः सुखम प्राप्तः। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबके अंत में आश्रित, अतीत, पतित, गत, आत्यस्त, प्राप्त और आपन्न लगा हुआ है, जिसका भी लगाना हो, कृष्णम आश्रितः, माता आश्रितः, मातरम आश्रितः, पितरम आश्रितः, भ्रातरम आश्रितः, दुखम अतीतः, सुखम अतीतः, ठीक है, कूप पतितम, नदी पतितम, जल पतितम, समुद्र पतितम, जहाँ भी आपको गिराना हो गिरा दीजिए, स्वर्गम गतः, स्वर्गगतम, ग्रामम गतम, नगरम गतम, कर्णपुरम गतम, लक्ष्मणपुरम गतम, जहाँ भी आपको जाना है, चंद्रम आत्यस्तः, सूर्यास्त्यस्तः, सूर्यम आत्यस्तः, जहाँ भी आपको जाना है, कष्टम आपन्नः, सुखम आपन्नः, धनम आपन्नः, सुखम प्राप्तः, धनम प्राप्तः, विद्या प्राप्तः, लक्ष्मी प्राप्तम, ज्ञान प्राप्तम, जिस किसी भी पद के अंत में लगाना हो आप लगा दीजिए, लेकिन अंत में यह आश्रित, अतीत, पतित, गत, आत्यस्त, प्राप्त और आपन्न ये पद दिखाई दे रहे हैं तो वहां पर आपको द्वितीय तत्पुरुष समास लगाना होगा, ठीक है। तो आज इतना ही मित्रों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमः संस्कृताय।